दोस्तों, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ही चाहिए। पहला, दृढ़ निश्चय और दूसरा, कभी ना टूटने वाला हौसला। फिर भी जब कभी आपका हौसला टूटने लगे, तो उस समय किसी ऐसे की जरूरत होती है जो कि आपको एक बार फिर से उठकर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सके। इसलिए आज हम यहाँ कुछ ऐसे कोट्स शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप अपने मुश्किल समय में अपनी ताकत बनाकर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। स्वयं को सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कभी नाली में गिर भी जाए तो उसकी कीमत कम ना हो। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखिए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय यानी 24 घंटे मिलते हैं जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए। एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। हम चाहे
तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं। पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो, तुम ये जरूर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ बताए गए सभी मोटिवेशनल कोट्स सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए आगे आपको खुद ही बढ़ना होगा। हम सभी का हमेशा अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।